को कोर्ट में आते हुए नहीं देखा। जब आया हमने बताया कि वो आ गया जी आपके खिलाफ गवाही देने के लिए, तो खान साहब आपने गवारा ही नहीं किया उसका नाम लेना, उसकी बात करना। और वो आया और उसने आकर स्टेटमेंट खान साहब के खिलाफ दी, लेकिन उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो खड़ा हो सके, वो अपने पांव पर खड़ा नहीं हो पाया। और फिर उसने कहा कि मेरे लिए कुर्सी मंगवाई जाए, तो कुर्सी मंगवाई गई उसके लिए, कुर्सी पर बैठकर उसने स्टेटमेंट अपनी रिकॉर्ड करवाई। तो ये उसकी हैसियत है। केपी वैसे तो रवायात के हवाले से अगर देखा जाए तो बड़ा जो है वो केपी की एक शान है, रवायात है, लेकिन इसने वहाँ जो मेरे साथ नादिये भी खड़ी है, खटक बुरा लगेगा, लेकिन इसने अपनी बरादरी या तो ये ओरिजिनल खटक नहीं था या ओरिजिनल केपी से नहीं था, तो इसने सबकी तोहीन की है। नंबर टू बात आपको बताऊं कि खान साहब के ऊपर तोशा खाना केस जो है वो जो नया स्टार्ट किया गया है पार्ट टू, खान साहब ने आज भी उसके हवाले से बात की और मीडिया से भी बात की। उन्होंने बताया कि वो ही दो अप्रूवर हैं, कनाम शाह और एक दूसरा, उन्हीं को दोबारा लाया गया और उन्हीं के जरिए से दोबारा गवाही देकर ये इस केस को इन्होंने बनाया है। और ये देखें कि एक केस ख़त्म होता है तो उसी में एडिशनल, यानी कि ये केस ख़त्म होगा फिर स्टार्ट कर दिया जाएगा कि अब तीन नई घड़ियाँ निकल आई हैं, फिर स्टार्ट कर दिया जाएगा कि अब चार नई घड़ियाँ नहीं निकल आई। तो मतलब ये है कि कानून बड़ा वाजह है कि अगर एक जुर्म होगा तो उसके ऊपर एक कार्रवाई होती, ये नहीं होता कि एक के बाद एक केसेज जो है नए से नए बनाए जाएँ और ये टैक्टिक्स जो है इसके अंदर की जा रही है। इस केस के अंदर तोशाखाना केस के अंदर जैसे गिरफ्तारी डाली गई, हमारी तरफ से बीबी साहबा और खान साहब की तरफ से बेल जो है वो फाइल कर दी गई, लेकिन उसमें प्रीवियस बेल जो है एज ए मैटर ऑफ राइट मिलनी चाहिए थी, उनको क्या किया गया, उनको ये किया गया कि उनमें नोटिस कर दिए गए, सिर्फ क्या था कि गिरफ्तारी डालनी थी। इसी तरह से 9 मई के केसेस के अंदर तीन जो बेल खान साहब की खारिज की गई एक साल के बाद, न वीडियो लिंक के जरिए शामिल किया गया और ना ही उनकी प्रेजेंस की गई, और एक साल के बाद फिर खारिज कर दी गई। बहाना क्या था, मामला क्या था कि अगर केस खान साहब के खत्म होते हैं तो यहाँ से नए केस के अंदर गिरफ्तारी डाल दी जाए, बेल्स खारिज कर दी जाए। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि इस तरह से पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जा रही है और बीबी